गोंदिया अखिल भारतीय माता दंतेवाड़ी समाज समिति की राजमाता फुलवा देवी नई दिल्ली धनेगांव पहुंचने पर विधायक सहसराम कोरेटे ने मंदिर समाज भवन का उद्घाटन कर जो निधि लगेगी उसे देने का आश्वासन दिया। राजमाता तथा कांगे महाराज ने भी स्वागत किया। तत्पश्चात देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। अवसर पर राजकुमारी कांगे महासचिव राज्य उइके आदि सैनिक दल उपस्थित थे। माझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था को विधायक कोरिटी ने 25 लाख की निधि मंजूर कर मंदिर व समाज भवन का उद्घाटन किया। अपनी भाषा और अपना संविधान बचाने का हम काम कर सकते, ये बात मैं आपसे बताऊंगा। कोई मामूली बात नहीं उन्होंने कहे कि देखो, मैं एक बात उनकी सुन रहा था कि हमारे भी बाल उखड़ गए हैं, वो कैसा है, लेकिन हम लोग तो सब निसर्ग पूजक है, हम सृष्टि पूजक लोग है, हम जंगल को मानते हैं, हम मट्टी को मानते हैं, हम पानी को मानते हैं। तो ये सब चीजें मानने वाले कांगे जी ने बताया कि जब हमारी माताएं, हम लोग भी, हमारी बहनें जो गांव में पहले बाल धोते थे तो मट्टी से धोते थे, आपे के साथ और जब यहाँ मंचीय कार्यक्रम हुआ, यहाँ सब कुछ तो ठीक है, पहली बार बोले थे कि यहाँ बैठने के लिए मंच नहीं है, तो पिछली बार माताजी हमने ये मंच दे दिया, आपकी बैठने की सुविधा हमने कर दिया। पिछले साल आपने जब कहा कि ये जो हमारे सैनिक आते हैं, हमारे देव जत्रा में हमारे बैगा लोग आते हैं, तो ये सैनिकों के लिए बैठने की, यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो माता जी ये हमने 25 लाख रुपए का यहाँ हमने भवन बना दिए, ये भवन निर्माण कार्य यहाँ शुरू है। लोगों को जो बताए और उन्होंने जो कहा था या 2-3 वर्ष पहले कि यहाँ बैठने की जगह नहीं है करके उन्होंने जो बताया था, और जरूर मेरे सामने में उन्होंने यहाँ एक भूमि पूजन करवाया था, तो उन्होंने अपने वादा को जरूर पूरा करते गए और आज पूरा होता रहेगा आगे चल करके। बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए आज कितना यहाँ बस्तर से या क्षेत्र से काफ़ी देवी देवता आए हुए हैं और आकर के जरूर इस भूमि का उद्धार कर रहे हैं। मैं ये अभी के नहीं है, ये बहुत परंपरा से हमारे एक आदिवासी लोगों की देवी देवता हैं, सदा हमारे गौड़ समाज की देवी देवता हैं। आज सभी परंपरा से ना जाने कितने वर्षों से इन देवी देवताओं को हमारे पूर्वज लोगों ने मानते हुए आए हुए हैं और अभी तक के चलते जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, उन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज हमारी समाज, हमारे देश, उन्हीं के आशीर्वाद से धीरे धीरे करके हमारे समाज जो डूबते जा रही थी उसे वही देवी देवता ने अब बचाते बचाते ला रहे हैं। पर कहते जरूर हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है, हमारे बाल बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आज उनके साथ क्या हो रहा है, कितना यानी अन्याय होते जा रहा है। आज देश के अंदर देखा जाता है तो बहुत कुछ अने गड़बड़ दिखाई दे रहा है। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।